इस वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये कपड़ा सुखाने वाला पार्ट नहीं चल रहा है, घूम नहीं रहा है, खराब हो गया है, तो कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियंस नहीं है तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और फायदेमंद होने वाला है, ताकि आप इजी पहचान सकते हो कि आपके वॉशिंग मशीन में ये कपड़ा धोने वाला हिस्सा क्यों नहीं चल रहा है, क्या खराब है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन को चेक करेंगे। तो इससे पहले स्विच बोर्ड में लगे प्लग वायर को हम बिजली की बोर्ड से अलग निकाल देते हैं, निकाल दिए हैं। अब चलते हैं हम इस वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड। तो ये देखिए, ये है वॉशिंग मशीन का पीछे का हिस्सा, जिसमें पीछे कवर में स्क्रू लगे होते हैं, जिसे हमने पहले ही निकाल दिया है। कवर को खोलने के बाद आप यहाँ पर इन वॉशिंग मशीन में ये जो वायर होते हैं उसको बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखें। कई बार ऐसा होता है कि चूहे वगैरह वॉशिंग मशीन के अंदर आकर इनके तार को काट देते हैं, तो उसमें सिंपल आपको वायर से वायर, कलर से कलर और साइज को मिलाकर जोड़ सकते हो, अगर आपके वॉशिंग मशीन के कोई तार कटे हैं तो। अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि नीचे आपने चेक कर लिया कोई भी तार नहीं कटा है, तो ये जो होते हैं ड्रेन वाले रस्सी, जिसे मैंने खोल दिया है, आप भी खोल सकते हैं और बाद में इसे बांध देंगे। तो चलिए, इसको खोलने के बाद अब आपके वॉशिंग मशीन के ये ऊपर वाले पार्ट खुलेगा। इसके लिए यहाँ पे स्क्रू होते हैं, जिसे मैंने खोल दिया है। ये देखिए, इस तरीके से चेक करना है इसके चारों साइड को स्क्रू लगा है या नहीं लगा है। ये देखिए, अब यहां पर ये ऊपर वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। अब ये जो पैनल होते हैं इसमें लॉक्स होते हैं, वो इजी नहीं खुलते हैं, तो इसे साइड से खिसकाएंगे ताकि लॉक फ्री हो जाए। अब इस जगह को इस तरीके से हाथ से पकड़कर आप ये ऊपर वाले पैनल को खोल सकते हो। ये देखिए, तो फिर इस तरीके से इस पैनल को खोलने के बाद अब आपको यहां पर भी ध्यान से देखना है। हो सकता है आपके वॉशिंग मशीन में नीचे वायर को ना काटे हो तो ऊपर काटा होगा। ये देखिए, हमने भी कई सारे तार को काट दिया था जिसे हमने टैप लगा के जोड़ा है। इसी तरीके से चेक करो और यहां पर भी साइज से साइज और कलर को मिलाकर ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आपके वॉशिंग मशीन में ना नीचे वायर कटा है ना ऊपर वायर कटा है, तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है एक स्विच। जैसे ही हम इस कपड़ा सुखाने वाले डोर को उठाते हैं, ये देखिए, तो ये जो स्विच है वो वहां से खुलता है और जैसे ही रखते हैं तो वहां से ये जुड़ता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो स्विच है उसमें कार्बन आ जाए, तो उसे आप टेस्टर वगैरह से इसको थोड़ा सा घेंस दे, इसे साफ कर दे। और ध्यान से ये भी देखें कि जब डोर हम बैठाते हैं तो वो स्विच वहां पर प्रॉपर ज्वाइंट हो रहा है या नहीं, उस चीज को चेक कर लें। प्रॉपर ज्वाइंट नहीं हो रहा हो तो इसे आप थोड़े से ऐसे इस तरीके से दबाकर ऐसे सेट करें, ताकि जैसे ही हम इस डोर को वापस रखें तो वो प्रॉपर ज्वाइंट हो। इस तरीके से आप चेक कर लो। जब आपने देखा कि आपकी वॉशिंग मशीन में ना ही नीचे वायर कटे हैं, ना ही ऊपर, ना ही ये वाले स्विच खराब हैं, बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट हो रहा है, फिर भी आपके वॉशिंग मशीन की मोटर नहीं चल रहे हैं, तो फिर जब आपने ऊपर से चेक कर लिया तो यहां पर आपको इस पार्ट को देखना है। ये है ब्रेक वाली वायर, जो कि सीधे इस मोटर में फिट होता है। ये देखिए, हम आपको खींच कर दिखाते हैं, ये है ब्रेक। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक की रस्सी टूटने की वजह से या फिर किसी और कारण से ये ब्रेक मोटर में जाम हो जाता है, जिसके कारण से जो मोटर की फुल्ली है वो घूमते नहीं है, मोटर घूमता नहीं है। तरीके से चेक करो, ब्रेक को फ्री करो और मोटर को भी तरीके से फ्री करो। अगर आपके वॉशिंग मशीन में ये मोटर फ्री है, ऐसे घूम रहा है फिर भी नहीं चल रहा, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर लगे होते हैं ऊपर में एक सील। सील के फटने की वजह से ऊपर से पानी आकर नीचे की मोटर में गिर जाता है और मोटर पानी पड़ने की वजह से खराब हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको इस मोटर को खोलकर रिवाइंडिंग कराना होगा, या फिर सेम मोटर सेम कंपनी के आपको लाकर फिर से यहाँ पर लगाना होगा। इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने वाले पार्ट नहीं चल रहे हैं उसकी सारी प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान होते हैं।
इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे हम कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।